इनके लब रंगी की मिठाबल थी के जिसने सादिया कुरैशी हैं जबलपुर से, मालूम ये करती हैं अगर नमाज में दुपट्टा उल्टा पहन लिया गया है तो क्या नमाज इससे हो जाएगी। और इसी किस्म से एक और सवाल और भी है कि नमाज में बेख्याली में जो है वो जम्फर उल्टा पहन लिया गया है तो ऐसे में नमाज पढ़ ली गई तो इस नमाज का क्या हुक्म है। तो नमाज के अंदर अगर कोई कपड़ा उल्टा पहन लिया गया तो उसके अंदर नमाज जो है वो मकरूह होगी। आप उसको फिर से दोबारा सीधा कपड़ा करने के बाद दोबारा नमाज अगर वक्त में गुंजाइश हो तो पढ़नी चाहिए, और वरना वक्त निकल गया हो तो बाद में भी उस नमाज को आप पढ़ सकते हैं। और रहा ये कि दुपट्टे के ताल्लुक से, तो इसका भी हुक्म यही है कि अगर ये उल्टा पहन लिया गया है, उल्टा ओढ़ लिया गया है नमाज में, तो नमाज मकरूह होगी। इसके अंदर एक गुंजाइश हो सकती है कि अगर किसी के दुपट्टा या चादर इस किस्म की उसकी बनावट है कि उसमें उल्टा और सीधा इन दोनों में तमीज़ नहीं की जा सकती, और वो उल्टा भी पहना जा सकता है और सीधा भी पहना जा सकता है, यानी उसकी बनावट और छपाई ऐसी है कि जिसके अंदर कोई ऐसी अलामत उसके उल्टा होने की जाहिर नहीं होती पहनने के बाद, और उसको किसी भी तरीके से पहना जा सकता है, उसकी कोई गोट या फिर ऐसी कोई बेल वगैरह नहीं है कि जिससे पहचान हो, एक सादा सा दुपट्टा है जिसको किसी भी जानिब से ओढ़ा जा सकता है, तो फिर ऐसे दुपट्टे को उल्टे सीधे में कोई जो है वो अलग पहचान करने की अलामत करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप जिस तरह से ओढ़ेंगी तो उसमें वो है नमाज अदा हो जाएगी। मिसाल के तौर से ये चादर है, अब इसके अंदर उल्टे और सीधे की किसी किस्म की कोई पहचान नहीं है, ये दोनों तरफ से बिल्कुल यकसा है, तो इसको किसी भी तरफ से ओढ़ा जा सकता है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो अगर आपके पास दुपट्टा ऐसा है कि जिसमें सीधा और उल्टे होने की कोई अलामत नहीं है, तो उसको अगर आपने बेख्याली में जिधर से भी ओढ़ लिया, आप उसको उल्टा तसव्वुर करती हैं कि वो उल्टा है, तो फिर जाहिर है कि फिर वो उल्टा ही होगा, तो वहाँ नमाज जो है वो उल्टे लिबास के साथ वो मकरू होगी। पत्थर में असल लाले पुरनवार।